और अब करेंगे कुछ और खबरों का। शिवराज सरकार अब एमपी के गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी। सीएम शिवराज आज उसे लेकर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें कई एक्सपोर्टर्स भी ऑनलाइन जुड़े। गेहूं निर्यातकों के साथ हुई बैठक में सीएम शिवराज ने मौके पर कई अहम फैसले लिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं का भंडार है और यही गेहूं अब प्रदेश की ताकत बनेगा। एमपी से एक्सपोर्ट किए जाने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा दी जाएगी। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन का अब केंद्र है और पिछले दो वर्षों से हम लगभग 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं को तो गोल्डन ग्रेन कहा जाता है, एमपी वीट के नाम से हर जगह मध्य प्रदेश के गेहूं की साख है और कई कंपनियां अपना आटा बना के भी बेचती है तो एमपी वीट के नाम से बेचती है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। अगली फसल भी बहुत जबरदस्त आ रही है। कई बार गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था कि इतना गेहूं कहां ले जाएं, लेकिन अब ये गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। एक फैसला हमने ये किया है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर हम मंडी टैक्स नहीं लेंगे, प्रतिपूर्ति उसकी हम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को, व्यापारियों को, उनको कर देंगे। हमने ये भी आश्वस्त किया है कि मंडी बोर्ड भोपाल में एपीडा का कार्यालय है और इसलिए मध्य प्रदेश के कृषि एक्सपोर्ट सेल के माध्यम से, हमने एक्सपोर्ट का सेल भी बनाया हुआ, उसके माध्यम से निर्यातकों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से खरीद सकता है, वो चाहे मंडी से खरीदे, वो चाहे मंडी के बाहर खरीदे, किसान के घर खरीदे, किसान के खेत में जाके खरीदे। मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के माध्यम से क्रय करने की सुविधा उसके पास उपलब्ध है। हमने ये भी तय किया है कि वो मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन अनुज्ञा की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के माध्यम से एक्सपोर्टर स्वयं अपने किसी व्यापारी से, स्थानीय व्यापारी से पंजीयन करवा सकता है और आराम से मंडी से भी खरीद के लाइसेंस प्राप्त करके, क्रय करके वो एक्सपोर्ट कर सकता है। फसल के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंग लैब और एमआरएल टेस्ट की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे निर्यातक को। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस को एक्सपोर्ट आधारित अधोसंरचना के लिए यदि जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो अस्थायी रूप से हम उसको भूमि और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने पर अगर उसको ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करनी पड़ी तो हम ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के लिए भी जो खर्चा आएगा उसकी प्रतिपूर्ति भी हम करेंगे। निर्धारित किस्म, ग्रेड और गुणवत्ता वाली फसल के भंडारण के लिए और प्रमाणीकरण के लिए प्रोफेशनल्स और प्रतिष्ठित एजेंसीज के साथ अनुबंध कर निर्यात के लिए अस्थायी व्यवस्था भी हम बनाएंगे। जितनी सुविधाएं चाहिए थी निर्यातकों ने, हमने देने का प्रयास किया है। एक दिक्कत थी कि रेलवे के रैक मिलने में दिक्कत होती है, तो रेलवे बोर्ड ने आश्वस्त किया है कि रैक की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोर्ट पर रखने की जगह चाहिए और किसी भी पोर्ट से वो निर्यात कर सके, वो फैसला भी तय हो गया कि एक पोर्ट नहीं, कहीं से भी वो निर्यात कर सकते हैं। इन फैसलों के कारण मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश से गेहूं का निर्यात